कर्नाटका में जीतने के बाद कांग्रेस इन दिनों काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। संगठन को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज रीवा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी और रीवा के संभागी प्रभारी सहित तमाम कांग्रेसी एकत्र हुए वृंदावन गार्डन में बैठकें की। उसके बाद हर आधे घंटे अलग अलग विधानसभा के बैठकों के लिए निर्धारित किए गए थे। खबर लिखे जाने तक बैठकों का सिलसिला प्रारंभ था। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां की तेज, पहुंचने लगे प्रभारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। कांग्रेसी इस समय आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। उसका एकमात्र कारण कर्नाटक में कांग्रेस को मिली भारी सफलता माना जा सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से जिले दर जिले बैठक करके आगामी रणनीति बना रही हैं। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों के बारे में भी अपनी राय शुमारी लोगों से एकत्र कर रही हैं, जिसके चलते आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, मध्य प्रदेश के सह प्रभारी सीपी मित्तल दो दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जिला संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा भी मौजूद रहे। रीवा के वृंदावन गार्डन में दोपहर 3 बजे से कांग्रेसियों की बैठक प्रारंभ हुई। लगभग 3 घंटे चली इस बैठक के बाद शाम 6 बजे से विधानसभा वाइज अलग अलग विधानसभा की बैठकों का दौर प्रारंभ होना था। खबर लिखे जाने तक बैठकें प्रारंभ थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर उस टोपी को पहनाकर माननीय मुख्य अतिथि का विशिष्ट अतिथि प्रत्याशी है, उनसे अनुरोध है कि आप मंच पर आ जाएं। सेवा दल के हमारे साथी तनवीर जी गांधी जी के चित्र पर पूर्व विधायक हैं, इनका स्वागत करेंगे। भैया 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 भैया, अरे यार आग्रह है कि आप भी पूर्व दिनांक पिता महात्मा गांधी जी के छायाचित्र पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय के कर कमलों से माल्यार्पण के उपरांत हम इस कार्यक्रम को आज के कांग्रेस पार्टी के